हेलो सर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग काम करेंगे लॉगिन रिक्वायर्ड डेकोडर। तो प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जैसे मान लो चलो यूजर अभी लॉगिन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जब यहाँ पे यूआरएल टाइप करके वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली हमारे डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो हमें एक तरीके से सिक्योरिटी प्रॉब्लम बना हुआ है अभी तक। तो हम क्या चाहेंगे कि जब यूजर लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद ही हमारे डैशबोर्ड को एक्सेस करे, अदरवाइज ना करे। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जिसे एडमिन लिखा मैंने यहाँ पे, इसके बाद एडमिन ने लॉगिन किया, क्या होगा वो अभी हम उसको भेज देंगे डैशबोर्ड वाले पार्ट पे, यहाँ पे डैशबोर्ड एंड इसके बाद डैशबोर्ड, परफेक्ट। ठीक है, बट अगर वो लॉगआउट करता है, लॉगआउट करने के बाद भी कहाँ जा सकता है हमारे डैशबोर्ड, अगर यहाँ पे टाइप करता है वो डैशबोर्ड देन इज। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो आपको जेंगो है वो बिल्ट इन एक व्यू डेकोडर प्रोवाइड कराता है, तो जिसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इसके लिए चलना पड़ेगा हमको वीएस कोड पे। एंड यहाँ पे हम लोगों ने अपना डैशबोर्ड बनाया था ना, यहाँ पे हमको व्यू डेकोडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब एंड डॉट ऑथ डॉट डेकोरेटर्स, एंड इससे आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट सॉरी ब्लॉग हटा देगी मैंने, इम्पोर्ट करना हमको लॉग इन डैशबोर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, सो इसको यूज करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एच, इसके बाद लॉग इन रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पे आपको यूआरएल देना पड़ेगा, लॉग इन यूआरएल, लॉग इन यूआरएल में। सो हम लोगों ने लॉग इन बनाया था ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको ब्लॉग्स के यूआरएल के अंदर लॉग इन, यहाँ पे देख रहे हो आप, ब्लॉग अंडरस्कोर मेन में जाएंगे, यूआरएल में आएंगे, यहाँ पे लॉग इन, तो ये आपको पास कर देना है। ठीक है, तो अगर यूजर लॉग इन नहीं होगा तो उसको रीडायरेक्ट कर देगा लॉग इन वाले यूआरएल पे, एंड यहाँ पे भेजेगा इसको, कहाँ गया ना, ब्लॉग अंडर स्कोर का यूआरएल, एंड इसके बाद ये चलेगा आपका लॉग इन। एंड अगर रिक्वेस्ट पोस्ट रहती है, सब कुछ ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, हमारे होम पेज पे। तो होम पेज पे जाने के बजाय इसको कहाँ भेजना है हमको, इसे भेजना है हमको डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे इसको हम लोग रिडायरेक्ट करा देंगे। ठीक है, सो चलो चलते हैं अपने, पहले चेक करते हैं टर्मिनल, कोई एरर नहीं, ब्राउजर पाते हैं, इसको मैं इंट करता हूँ, तो आप देखेंगे लॉग इन स्लैश नेक्स्ट डैशबोर्ड, तो इसने कहाँ भेजा इसको, लॉग इन वाले पेज पे। तो अगर हम लॉग इन करते हैं यहाँ से, लॉग इन करते हैं यहाँ से, मैंने डाला एडमिन, इसके बाद पासवर्ड, लॉग इन करेंगे। सो अभी इसको जाना चाहिए डैशबोर्ड पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कहाँ पे किया रिडायरेक्ट, डैशबोर्ड वाले पेज पे रिडायरेक्ट किया, देन हम लोग होम पे जाके होम पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं लॉगआउट करता हूँ, लॉगआउट करने के बाद अगेन यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, दिखाता हूँ आपको, सॉरी हाँ, यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ डैशबोर्ड एंड हिट करूँगा, देन आप देखेंगे कि ये डैशबोर्ड पर नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, सीधे सीधे हमारे लॉग इन वाले पेज पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम से बचा सकता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग लॉगिन अंडरस्कोर रिक्वायर्ड डेकोडर यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब यूजर लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एडमिन, यहाँ से लॉगिन करेगा वो डैशबोर्ड पे जाएगा, एंड डैशबोर्ड पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड हाईलाइट हो रहा है, अगर हमें कैटेगरीज पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कैटेगरीज वाला पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग सारी के सारी कैटेगरीज शो करेंगे। ओके, सो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।